अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार मुगल सोशल मीडिया बिरा रोड की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं सदावा के करीब बिरिया रोड में, और यहाँ पर एक पेवर ब्लॉक बनाने वाला एक प्लांट लगा है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो बजरी का क्रेश यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पेवर ब्लॉक तैयार किए जाते हैं जो आप अपने घर और दूसरे जगहों पर जो है गलियों में और अपने ग्राउंडिंग सिस्टम में जो है सहन में ये लगा सकते हैं। इसकी मकदार क्या है, क्या साइज़ है, ये इनके ओनर से भी बात करते हैं और मुख्तलिफ मराहल में आपको ये चीज़ें दिखाते भी जाते हैं। कि मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि यहाँ तकरीबन चार किस्म के तकरीबन यहाँ पर बजरी जो यहाँ पर है, जिसमें ये आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर मज़दूर भी पीछे काम कर रहे हैं। और ये जब तैयार होकर जाएंगे आगे जाकर ये मुख्तलिफ मराहिल में दाखिल होंगे। यहाँ से रेड़ी भरकर आती है क्रैश की और आकर इसके तक मिक्सर मशीन जो है इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये देखें रेड़ी वाला आ गया, ये देखें भी डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मिक्स होने के बाद ये जो है अपने अगले मरहले की तरफ आएगी, और ये सीमेंट वगैरह क्रश वगैरह ऊपर मशीन की तरफ डिलीवर करता है। और मशीन में यहाँ पर उनकी जो लेबर है वो यहाँ पर इसके अंदर मशीन मिक्स करने के बाद अगले मरहले में आती है, और यहाँ पर ये तकरीबन पेवर ब्लॉक तैयार होती है। और इस मशीन के अंदर आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, तो उसके बाद जब यहाँ पर इन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार किए हुए हैं। मेरे पीछे देखेंगे मुख्तलिफ साइज़ के ब्लॉक पड़े हैं, और इसमें कितना तकरीबन सीमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक भी तैयार पड़े हुए हैं जो कि बहुत वजनी है, और यहाँ पर इन्होंने तैयार करके रखे। अगर यहाँ पर दिखाया जाए तो मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है मौजूद पड़े हैं यहाँ पर। हम मालूम करेंगे क्या साइज़ है बिल्डिंग ब्लॉक का, ईंटों से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, मज़ीद बात करते हैं। यहाँ हार्डोस्टोन पेवर प्लांट के ऑनर के पास मौजूद है बिरिया रोड में, चौधरी आसिफ अली साहब के पास। तो साहब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए कि ये किस काम आते हैं। करो प्लांट के ये रोड में लगते हैं, फुटपाथ वगैरह में, पार्कों में, हर जगह पे, नेशनल हाईवे, जैसे ये यू टर्न वगैरह है या रोड के सेंटर में, ये सारे ये कर्ब ब्लॉक ही लगते हैं। अलावा और क्या तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के गलियों में और सहन की ग्राउंडी वगैरह के लिए जो पेवर ब्लॉक मिलते हैं, उस हवाले से भी बताएं हमें। मैं 60 mm के जो गलियों में ब्लॉक पेवर ब्लॉक लग रहे हैं वो 60 mm के वो साइज़ है, और जो पेट्रोल पंप वगैरह पे हैवी लोड पे 80 mm के टफ टाइल पेवर जो है वो बना रहा हूँ, और बिल्डिंग ब्लॉक फिलहाल ये चार आइटम जो है ना ये बना रहा हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसका साइज़ है 12 इंच, 6 इंच और 5 इंच का। क्वालिटी और मकदार की क्या ज़मानत है, किस तरह है क्वालिटी के हवाले से कमाल? क्वालिटी वगैरह वही है जो रेस से गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है या स्ट्रेंथ है, 5000 से PSI से तकरीबन ऊपर ही है, 5000 तक है ये टफ टाइल का जो मेरा स्ट्रेंथ की हिसाब से वही है। और क्यूरिंग वगैरह जो रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से क्यूरिंग वगैरह भी करता हूँ, मुताबिक ही ये सारा बना रहा हूँ। अच्छा साहब, ये जो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक पड़े हुए हैं, इनके हवाले थोड़ी मालूमात दें कि ये जो ईंट वगैरह मिल रही है, क्योंकि बहुत बारिशों के बाद तो शॉर्टेज हो गई थी, और ये बिल्डिंग ब्लॉक तो यहाँ मिले, तो उससे ये सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? ये ब्रिक से सस्ता पड़ता है, जो ईंट से बहुत सस्ता पड़ता है, तकरीबन 30 से 40% इसके वर्क से और ईंट के वर्क से जो क्लाइंट है बनाने वाला है घर उसको फ़ायदा होता है ब्लॉक से। इसका मतलब है कि हमें अभी कराची या हैदराबाद से पेवर ब्लॉक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिटी बिरिया रोड में डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में हमें ये चीज़ मुहैया है। हाँ जी, ये बिरिया रोड में लगा है, अभी रमज़ान शरीफ जस्ट नया शुरू हुआ है, अभी आपको हैदराबाद कराची या और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर ही मिलेगा बिरिया रोड में। वो ही कि आप आएँ और ले जाएं, क्वालिटी देखें और इधर आके चेक करें और हमसे परचेज़ करें, यही है। और नई टेक्नोलॉजी है, जैसे नया चल रहा है सारा सिस्टम, अभी बाहरले मुल्कों में तो बहुत पहले से
हमारे इधर गली गुच्छों में अभी ये शुरू हुआ है। इसका यही फायदा है कि यहाँ बार बार रिप्लेस हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना हो या गली नीचे हो गई हो फिर इसको दोबारा रिप्लेस करके फिर इसको ऊपर कर सकता है। ये एक दफ़ा खर्चा है, बार बार खर्चे के बजाय बच जाता है बंदा। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी आसिफ अली साहब जिन्होंने अपने इन काम के हवाले से हमें आगाह किया और बताया कि अभी आपको कराची हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज सिटी बिरिया रोड में ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक यहाँ पर पेवर ब्लॉक है ये आपको सब यहाँ पर मिलेंगे। और नीचे स्क्रीन पर दिया गया नंबर है चौधरी साहब का और मियार मकदार रेट की बिल्कुल ज़मानत है, आएँ और आकर एक बार ज़रूर आजमाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कैमरामैन फरहान मुगल के साथ मिलेंगे अगले नए ब्लॉग के साथ। मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार मुगर, अल्लाह हाफिज़।